एजुकेशन लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड सिंपल कंटिन्यूटी पर तो सबसे पहला है फंक्शन विच इज कंटिन्यू एवरीवेयर यानी कहीं भी कंटिन्यू ना हो तो देखते हैं इसके लिए इसके लिए वो सभी क्वेश्चन आएंगे वो सभी एग्जाम्पल हैं या फंक्शन है जिनकी वैल्यू क्या होगी एफ एक्स इज कल टू एफ एक्स इज कल टू एक्स इज Rational, और माइनस ए एक्स इज इरेशनल एक्स इज इरेशनल ये फंक्शन है जो हर जगह क्या होगा डिसकंटिन्यू दूसरा है ए फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो इसमें फंक्शन कौन सा आएगा इसमें फंक्शन आएगा हमारा एफ एक्स इजकल टू वन बाई एक्स और आर और आर या ऐसा कोई इंटरवल जिसमें जीरो इंक्लूड हो क्या हो जिसमें जीरो इंक्लूड हो ठीक है कुछ और भी देख सकते हो साइन वन बाई एक्स इस तरह से तो कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियेबल कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफ्रेंशियबल एनी इसमें क्या आएगा इसमें फंक्शन आएंगे हमारे कुछ इस तरह के एफ एक्स क्या होगा एक्स साइन वन बाय एक्स एक्स साइन वन बाई एक्स इंटरवल में जीरो आएगा या जो भी है उसकी डोमेन में जीरो आना चाहिए तब जाके ये क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यू एवरीवेयर तो होगा लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा अब देखते हैं इफ़ फंक्शन जीरो भी चीज़ कंटीन्यू सैवरी एक्सपेक्ट एट द एंड पॉइंट एक्सपेक्ट एट द एंड पॉइंट है यानी ये देख लिए तो इसमें कैसा आएगा फंक्शन आप खुद भी बना सकते उसको इसको क्या बनाएंगे एफ़ एक्स वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन ये आ गया हमारा फंक्शन तो यहाँ पर जब हम ज़ीरो रखेंगे यानी इंटरवल हमारा क्या है जीरो से वन जीरो रखेंगे तब भी इन्फिनिटी वन रखेंगे तब वन रखेंगे तब भी इन्फिनीटी आ जाए तो ये हमारा फंक्शन है कंटिन्यू एक्सपेक्ट एट ए इफ फंक्शन वीच इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जिस पर वो कंटिन्यूस नहीं होता तो हमें करना क्या होता है उसके डिनोमिनेटर में उस फंक्शन को जीरो उस पॉइंट पर जीरो कर देते हैं तो फंक्शन कैसा होगा ये हमारा जो सिंपल फंक्शन है वो हमारा ऐसा हो सकता है एक्स माइनस थ्री बाई टू इस पर यह कंटिन्यूस नहीं होगा बाकी हर पॉइंट पर यह कंटिन्यूस होगा फंक्शन विच इज कंटिन्यूस ऑन एवरी बट इज नॉट बाउंडेड ए फंक्शन फ इज कंटिन्यूस ऑन एक फंक्शन है जो जीरो वन पे है बट इज नॉट बाउंडेड वो क्या है वो बाउंडेड नहीं है तो ऐसा फंक्शन देखते हैं हम और इसी के साथ दूसरा है बट इज़ नॉट कंटिन्यू फंक्शन विच इज बाउंडेड बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस ए फंक्शन एफ विच इज फंक्शन एफ वी इज कंटिन्यूस चलो देखते हैं तो जो ये है हमारा क्वेश्चन ये आ गया देखिए हमने वहाँ पर ए लिया था जर्नल के लिए पहले में डिसकंटिन्यू फॉर है साइन वन एक्स या वन बाई एक्स कंटिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर द फंक्शन एफ इज डिफाइंड टू एंड को साइन एक्स एक्स आर एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियबल नोट क्या आएगा डिफरेंशियबल प्रूफ देख सकते हैं द फंक्शन एफ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वन पे और बाकी सब पे पीस वाइज फंक्शन भी लिख सकते हैं और वैसा भी लिख सकते हैं द फंक्शन डिफाइन ऑन एफ एक्स ये इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह से भी यानी दो वैल्यू कर सकते हैं कंटिन्यूस बट नॉट बाउंडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन बट नॉट बाउंडेड द फंक्शन द फंक्शन एफ डिफाइन ऑन जीरो बाय एक्स इज इ इज नॉट बट कंटिन्यूस बाउंडेड है वन और माइनस वन के बीच में ए फंक्शन एफ आर बिलोंग टू एफ एक्स वन इफ़ एफ एक्स इज रैशनल माइनस वन एफ एक्स इज इेशनल इज कंटिन्यूस बट एफ एक्स वन वेर इज कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड बिकेम कंटिन्यूस एवरी वे यदि हमें फंक्शन देखना है कि वो डिसकंटिन्यू है लेकिन उसका मोड क्या है कंटिन्यूस है एवरी कोर्डिंग तो ये इस तरह का एक्जाम्पल है इसके साथ हमारा क्वेश्चन है गिवन एन एक्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग ए कंटिन्यूस एंड बाउंड्री कंटिन्यूस भी हो और बाउंड फंक्शन ऑन आर विच अटेंड द लिस्ट अपर बाउंड बट नॉट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो इसमें देखेंगे लिस्ट अपर पर बाउंड एक्सरसाइज कंटिन्यूस ऑन आर एंड एक्स आल्सो एक्स स्केयर प्लस वन इज गल जीरो जीरो वन तो एफ इज बाउंडेड ऑन आर अटैंड बट नोट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन जीरो जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है लेकिन ये वहाँ उसके अंदर है नहीं तो ये बाउंड नहीं है कहने का मतलब है जब उसके आउटपुट में जीरो होगा तो ये बाउंडेड हो जाता है लेकिन ये बाउंडेड नहीं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो है इसका जीरो बट ये बाउंडेड नहीं नोट तो फंक्शन एफ एक्स एक्स के रीज कंटिन्यूस ऑन आर माइनस वन टू जीरो एक्स कंटिन्यूस है ये एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो नीचे वाला जीरो एफ इज बाउंडेड वन अटेंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माइनस वन बट नोट द लिस्ट अपर बाउंड जीरो इसमें लिस्ट अपर बाउंड जो जीरो है वो फंक्शन के आउटपुट में कभी नहीं आने वाला द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटवेल्व जीरो बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन डैट ठीक है इस तरह से कुछ फंक्शन है जो कंटिन्यूस है यूनिफॉर्म कंटिन्यू नहीं है कुछ का बाउंडेड है लेकिन बाउंड्रेड कोई कंडीशन नहीं है कि वह उसे कंटिन्यूस प्रूव कर दें जैसे यहाँ है एफ इज बाउंड जैसे कि सॉरी ये है जैसे ये फंक्शन एफ इज नो वेयर ये फंक्शन बाउंडेड है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है तो इससे क्या पता लगता है कोई फंक्शन बाउंडेड हो तो उसका कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस के रिलेशन के बारे में बताते हैं तो आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है तो उसके लिए भी कॉमेंट कीजिए वैसे हम मेहनत बहुत करते हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद